हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम ये ब्यूटीफुल डिजाइन पैटर्न बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन को क्रोकोडाइल स्टिच डिजाइन बोलते हैं। ये डिजाइन किड्स के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में और जेंट्स के स्वेटर में डाला जा सकता है। और इस डिजाइन को अगर आप किड्स के स्वेटर में डालेंगे तो मल्टी कलर में या फिर डबल कलर में आप अगर इसे डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। उसके अलावा अगर आप फुल स्वेटर में ये डिजाइन नहीं डालना चाहते तो पूरी स्वेटर को आप प्लेन बनाकर जस्ट बॉर्डर बॉर्डर में अगर इस डिजाइन को डालेंगे तो भी ये डिजाइन बहुत प्यारी लुक देगा और आपकी स्वेटर बहुत प्यारी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इस डिजाइन को बनाना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो फंदे यहाँ पे लेने होंगे वो ओड नंबर में फंदे लेने होंगे, और ओड नंबर में फंदे जब आप लेंगे तो ये डिजाइन आपका इजिली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने जो फंदे यहाँ पे लिए हैं वो 15 फंदे लिए हैं। तो इससे मैं आपको ये डिजाइन बनाकर बताऊंगी। ये जो डिजाइन है रॉन्ग साइड से डलता है, तो फंदे डालने के बाद ये जो एक रो है, या तो आप यहाँ पे बॉर्डर बना लें, अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, स्टार्टिंग से इस डिजाइन को डालना चाहते हैं तो सीधी या उल्टी जैसे आप इस फर्स्ट रो को यहाँ पे बुनना चाहते हैं आप बुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सीधा बुनकर कंप्लीट करूंगी। इस रो को मैंने यहाँ पे सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड से हम अपना डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। यहां से अब हम डिजाइन की फर्स्ट रो को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनते हुए स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा फिर उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे। इसी फ्लो से आपने सारी रो को कंप्लीट करना है। एक उल्टा, एक सीधा। फिर जब आप पूरी रो कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जो फंदा आपका यहाँ पे आएगा वो उल्टा आपका आएगा और उसे हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से मैं ये सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में जो है एक सीधा और फिर उल्टा। तो इस तरह से जब आप ओड नंबर में फंदों को लेंगे तो पहला भी आपका उल्टा बुनेगा फर्स्ट रो में और लास्ट का भी। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं। सेकेंड रो में आपको क्या करना है, सेकेंड रो में फर्स्ट फंदा जैसे आपको ये सीधा नजर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद और ये जो उल्टा फंदा नजर आ रहा है आपको, इसको हम इस तरह से बिना बुने दूसरी सिलाई में डाल लेंगे और नेक्स्ट जो सीधा फंदा आ रहा है इसको हम बुन देंगे। जब हम ऐसे बुनेंगे तो हमारा ये जो धागा हमने आगे किया था फर्स्ट फंदे को बुनकर, ये इस फंदे के ऊपर से जाएगा इस तरह से। तो सारी रो में हमें इसी तरह करना है। जैसे ये फंदा हमने सीधा बुना, धागा हमने आगे किया, नेक्स्ट उल्टा फंदा हमने बिना बुने दूसरी सिलाई में डाल लिया, उसके बाद नेक्स्ट फंदा हमें सीधा ही बुनना है इस तरह से। फिर इसके ऊपर से भी इस तरह आपका धागा चला गया बिना बुने इस फंदे के ऊपर से। फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस तरह से बिना बुने इस उल्टे फंदे को डाल लेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे। तो ऐसे आपका ये फ्लो इस रो में चलता रहेगा। तो इसी तरह हमने ये जो है पूरी रो कंप्लीट करनी है, सेकेंड रो। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में इस तरह से आपका ये फंदा आएगा और इसको हम ऐसे बुन देंगे। तो ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा जो यहाँ पे ये उल्टा नजर आ रहा है इसको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। सीधा बुनकर धागा हम आगे लेकर आएंगे और ये जो दो फंदे हैं, जो एक हमने बिना बुना लिया था और उसके ऊपर से धागा किया था, इन दोनों को ऐसे ही फिर बिना बुने हम दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। और ये जो फंदा उल्टा नजर आ रहा है इसको हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बुन देंगे। तो एक बार और आपका धागा इन दोनों के ऊपर से चला जाएगा। तो दो बार हमारा ये धागा ऊपर से हो गया और एक ही सिंगल, तो ये तीन बन गए। तो अब देखिए, फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे ही बिना बुने हम डाल लेंगे दूसरी सिलाई में, और ये जो उल्टा फंदा नजर आ रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से धागा ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इसी तरह से हम ये दोनों फंदों को बिना बुने डालकर और ऐसे इसको सीधा बुन देंगे नेक्स्ट फंदे को। तो आपने पूरी रो में ऐसा ही करना है। तो
दोस्तों, इस तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम फोर्थ रो पर आते हैं। फोर्थ रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा यहां पे इसको सीधा बुनना है। सीधा बुनकर जो सेकंड हम क्या करेंगे, धागा आगे लाकर इन तीनों को इकट्ठा लेते हुए हम एक बना देंगे और उल्टा बुन देंगे इस तरह से। नेक्स्ट धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये फंदा हमें जो सिंगल नजर आ रहा है इसको हमें सीधा बुनना है और फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इन तीन फंदों को हमने इकट्ठा यहां पे बुनकर एक बना देना है, उल्टा बुनना है इन तीनों को। फिर उसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम यहां पे सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट तीन फंदे जो ये हैं इनको हम एक बनाकर उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बुनेंगे, इन तीन फंदों को हम यहां पे इसी तरह से एक कर देंगे। तो इसी तरह आपने करना है पूरी रो में। लास्ट में हमारा ये सीधा बन जाएगा। तो अब ये देखिए, ये जो डिजाइन है आपका यहां पे बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये डिजाइन आपका जस्ट फोर रोज का है। हमारी फोर रो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर आप किसी दूसरे कलर को इसमें डालना चाहते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था ये कलर, दूसरा अगर आप डालना चाहते हैं तो रॉन्ग साइड से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे और रॉन्ग साइड में वैसे ही फर्स्ट रो से लेके फोर्थ रो तक इसी तरह हम रिपीट करेंगे और फिर आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जस्ट फोर रोज में जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है वही एज इट इज आपका आगे बढ़ता जाएगा। चाहे आप इसे सिंगल कलर में बनाए, चाहे आप इसे डबल में बनाए, मल्टी में बनाए, तो आपका स्टेप यही रहेंगे फर्स्ट टू फोर रो तक। उसके बाद ये तो देखिए, मैंने यहाँ पे डबल कलर में आपको सैंपल बनाकर ऑलरेडी पहले दिखाया है, तो यहां पे सिंगल कलर में इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हर तरह से बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।